नमस्कार, स्वागत है आपका किप्टू टिफिन में। और आज हम बनाएंगे मटन करी बहुत ही आसान तरीके से। मटन करी बनाने के लिए हमें चाहिए मटन। इसके लिए हमने 500 ग्राम मटन लिया है। इसमें हमने 3 से 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसके साथ ही इसमें दही और नमक मिला के थोड़े सूखे मसालों के साथ इसको मैरिनेट करेंगे। ये हमने डाल दिया नमक और ये धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, ये सब मिला के इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैरिनेट हो जाने से मटन बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा जीरा पाउडर भी ऐड कर देते हैं, थोड़ी खड़ी मिर्च, इन सब को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जैसे मैंने बताया 2 से 3 घंटे या 2 से 2.5 घंटे कम से कम इसको मैरिनेशन में रहने देंगे, जिससे मसाले का फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब इसको पकाएंगे चाहे कुकर में चाहे कढ़ाई में, मटन ही बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। ये हमने मिक्स करके 2 से 2.5 या 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं। साथ ही इसको अब बनाने के लिए हमें कुछ सूखे मसाले चाहिए। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, एक कढ़ाई रख देते हैं। आज हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे। अगर आप कुकर में बनाना चाहें तो 6 से 7 सीटी कुकर में, नहीं कढ़ाई में बनाना चाहेंगे तो 1 से 1.5 घंटे कढ़ाई में बनेगा। इसके लिए हमने 2-3 टेबल स्पून तेल और उसमें 2 टेबल स्पून घी मिला दिया है। इन सबको गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद ये सारे सूखे मसाले, खड़े मसाले डाल देते हैं, इनको चटकने देते हैं। 20 से 25 सेकंड पकाने पे मसालों का सारा फ्लेवर तेल में आ जाएगा। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 2 से 3 कटा हुआ प्याज, लच्छों में कटा हुआ प्याज। अब अच्छे से प्याज को पकाएंगे। मटन में असली टेस्ट प्याज का ही है। इसको अच्छे से पका के गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को, धीरे धीरे मध्यम आंच पे। ये 10 से 15 मिनट का समय लेगा और बहुत ही आराम से इसको पकाएं, एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। वह इस तरह से ब्राउन हो जाएगा प्याज, तब हमारा लगभग प्याज तैयार है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के इसको अच्छे से भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट पका लेने के बाद हम इसमें मिलाएंगे मैरिनेट किया हुआ मटन, और इसको दही के साथ अच्छे से भूनना है कम से कम 20 से 25 मिनट। सबसे पहले इसमें मटन और दही अपना पानी छोड़ेंगे और उसी पानी में इस मटन को 20 से 25 मिनट अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। ये देखो मटन और दही ने वाटर रिलीज कर दिया है। अब इसको अच्छे से पकाना है, बीच बीच में चलाते हुए, लगातार चलाते हुए इसको पकाएं। 20 से 25 मिनट तक इसको भूनने के बाद ये सारा पानी जल जाएगा और दही जो है वो सब ऑयल और बाकी घी और तेल ये सब मसाले में ऊपर निकल जाएंगे। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे पानी और उसको पकाएंगे अच्छे से। ऑयल रिलीज हो चुका है, इसको अच्छे से चलाते रहे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। बहुत ही अच्छे से कुक करें इसको। देखिए ऑयल रिलीज हो चुका है। अब इसमें समय आ गया है पानी डालने का। हम हमेशा मटन में बॉयल किया हुआ पानी ऐड करेंगे, आवश्यकता के अनुसार इसमें पानी ऐड कर देते हैं। मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करूँगा। इसको अच्छा सा एक स्टर दें, बढ़िया फर्स्ट क्लास मिक्स करें। थोड़े मसाले सब कुछ मिक्स करने के बाद हम इसको लगाएंगे ढक्कन और मीडियम फ्लेम पे इसको 45 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में हम ढक्कन खोल के इसको स्टर भी करते रहेंगे। ये देखिए ऐसे कितना अच्छा मस्त इसका रोगन आया है, रेड कलर एकदम। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। एक बार आप इस विधि से बना के खाएं और आनंद लें, बहुत अच्छा लगेगा। मटन को अच्छे से पकने में 45 मिनट लगेंगे, आपको इंतज़ार करना है। और बीच बीच में ढक्कन खोल के इसको चलाते रहना है।
बहुत ही अच्छा मटन बन के ये तैयार होगा। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक मिला देते हैं और साथ ही इसमें हम गरम मसाले का पाउडर 2 चम्मच मिक्स करते हैं। मटन ही बहुत ही अच्छा पक गया है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मिक्स करें अच्छे से मसालों को। 5 से 10 मिनट मसालों के साथ भूनने के बाद हम इसमें मिलाएंगे कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता। सबको अच्छे से मिक्स करें और हमारा मटन करी बनके तैयार है। आप अवश्य एक बार इसे अपने घर में बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ साझा करें। नमस्कार।